नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन। तो जब कोई बॉडी गर्म होती है वो अपने अंदर से हीट को बाहर फेंकती है, उसको क्या बोलते हैं, थर्मल। थर्मल का मतलब हीट, रेडिएशंस इन द फॉर्म, रेडिएशंस आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, थर्मल रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ही थर्मल रेडिएशंस हैं। तो थर्मल रेडिएशंस कुछ नहीं है, थर्मल रेडिएशंस हैं कि जब भी कोई रेडिएशन बाहर निकलेगी वो एक्चुअल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। ऑसिलेटिंग का मतलब चेंजिंग, चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। कि ऑसिलेटिंग या चेंजिंग क्यों आता है, ये प्लस टू के अंदर समझेंगे ये ऑसिलेटिंग वर्ड क्यों यूज किया जाता है। अभी बस ये समझना है कि हीट रेडिएशन जो है वो थर्मल रेडिएशन है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करती हैं। तो थर्मल रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एमिटेड बाई अ बॉडी ऑफ बाई वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से ये अपने आप पैदा हो जाती हैं, इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन या थर्मल एनर्जी। और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं जो कि अलग अलग तरीकों से पैदा होती हैं। जैसे एग्जाम्पल, प्लस टू के अंदर एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उनमें से एक रेडिएशन का नाम है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज गर्मी का सोर्स है। तो जब भी कोई हॉट बॉडी देखेंगे, कोई बहुत गर्म बॉडी है, तपरी है, उसमें सेक आएगा। वो सेक कुछ नहीं है, वो इंफ्रारेड रेज रेडिएशन है। हम यहां पर कौन से रेडिएशन की बात कर रहे हैं, इंफ्रारेड रेज की ही बात कर रहे हैं। कोई गर्म बॉडी एक्सरे नहीं छोड़ती, एक्सरे जो हॉस्पिटल में जाते हैं एक्सरे छोड़ती है, एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन उसका सोर्स कुछ और है बनने का। उसका सोर्स है रेडियो एक्टिविटी। जब एक न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है दो छोटे न्यूक्लियस में, अ सॉर्ट ऑफ अ फिजन, फिजन, तो छोटे न्यूक्लियस में, तो वहां से जो रेडिएशन निकलती है वो एक्सरे है। यानी कि हर रेडिएशन को बनाने का तरीका डिफरेंट है। गर्मी से जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेडिएशन है वो इंफ्रारेड रेज है। जो न्यूक्लियस ब्रेक करने का तरीका वो एक्सरे मशीन करती है कंट्रोल्ड वे में, वो एक्सरे रेडिएशन है। सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन रिंग करते हो, उसके अंदर ऑसिलेशन होती हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और उससे जो रेडिएशन क्रिएट होती है उनका उनको बोलते हैं रेडियो वेव्स, जो कि हमारी आवाज़ कैरी करके लेके जाता है। अब सोर्स देखो, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैदा होती है। माइक्रोवेव, खाना गर्म करते हो माइक्रोवेव में, उसका सोर्स भी इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिकली उनको जनरेट किया जाता है। मान लो लाइट है, आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर नीचे गिरता है, लाइट बाहर फेंकता है, वो भी रेडिएशन है, वो लाइट रेडिएशन है। सबकी स्पीड सेम होती है 3 × 10^8, चाहे इंफ्रा, चाहे एक्सरे, चाहे रेडियो वेव, चाहे माइक्रोवेव, चाहे कोई भी रेज है। जो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है तो उनकी स्पीड 3 × 10^8 है, ठीक। लेकिन इनका बनाने का तरीका डिफरेंट है। कुछ रेडिएशन को हम देख पाते हैं, जैसे लाइट को देख पाते हैं, कुछ को महसूस कर पाते हैं, जैसे इंफ्रारेड रेज को महसूस कर पाते हैं सेक की फॉर्म में। कुछ ऐसी रेडिएशन हैं जो खाने पे गिरती हैं, मैटर पे गिरती हैं, तब जाके वो एब्जॉर्ब करती हैं मैटर और मैटर गर्म हो जाता है, माइक्रोवेव्स ऐसी हैं, रेडियो वेव भी ऐसी हैं। तो सबकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को नहीं स्टडी करेंगे, उनमें से बहुत सारी में से एक का नाम है इंफ्रा, जो टेम्परेचर गर्म करके पैदा होती है, ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। वैरायटी बहुत है पर हम यहाँ पर इंफ्रा की बात कर रहे हैं।